अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद महपरा। क्या हाल है आप सबके और सब कैसे हैं आप? आज बनेगा बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त का सालन फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर हमने इसमें शामिल कर देना है एक अदद प्याज बारीक कट की हुई, साथ में हमें चाहिए दो अदद बड़ी इलायचियाँ, चार अदद लौंग, एक अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा और एक अदद बड़ा तेज़पत्ता जिसे हमने इस तरह से तोड़ लिया है, और इसे अब हम इस तरह से प्याज़ों में ऐड कर देंगे और अच्छे से इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज़ों का कलर चेंज होने तक। ग्राइंड किया हुआ लहसुन अदरक 2-3 टेबलस्पून प्याज़ों में ऐड कर देंगे, और जब प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम डालकर इस तरह से अच्छे से कुक कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और बस फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मटन का मीट 1 kg, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और गोश्त को हमने इस तरह से डालकर 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 teaspoon भर के ऐड करेंगे नमक, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। 1/2 teaspoon हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 tablespoon भर के सूखा सफ़ेद धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 teaspoon सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1.5 teaspoon रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और ये तमाम मसाले हम गोश्त में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसालों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और अच्छे से हम मसालों को भून लेंगे गोश्त के साथ, और मसालों के साथ अच्छे से कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त का जो कलर वो चेंज हो गया है। और बस अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं ग्राइंड किए हुए टमाटर, 3-4 अदद टमाटर थे जिसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और फिर हम इसे गोश्त में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटरों की हमने अभी कोई भुनाई नहीं करनी, बस इस तरह से 1-2 मिनट के लिए मिक्स करते जाएंगे। तो टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और अब हम इसी पानी में गोश्त को कवर करके आधा गला लेंगे। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस आधा ही कवर करके हमने गला लेना है। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं, 10-12 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब मैं आपको चेक करके दिखा दूंगी कि जो गोश्त है इसमें तकरीबन आधा गल चुका है, पूरे तरीके से नहीं गला। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही तकरीबन 2 tablespoon भर के, और बस दही डालने के बाद हम इसे गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर, और इतनी भुनाई करेंगे कि इसमें जो दही का पानी वो अच्छे से ड्राई हो जाए, गोश्त जो है अच्छे से कुक हो जाए। और जब गोश्त अच्छे से कुक हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon भर के ड्राई कसूरी मेथी, इसे हम डालकर इस तरह से 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबूएं आ रही हैं, अच्छे से जो गोश्त है भून गया है। और बस अब हमने इसमें ऐड कर देना है पानी तकरीबन 2.5 cup, पानी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं मीडियम फ्लेम पर, कवर करके पका लेंगे। तो चलिए फिर चेक कर लेंगे, और अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। अभी ये बहुत गर्म है तो गोश्त जो है इसमें अच्छे से गल गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्लेम को हमने लो कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया भी हम इसमें काट कर डाल देंगे इस तरह से, और 1/2 teaspoon इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसे गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखा देंगे। माशाल्लाह से गर्मा गर्म सा मज़ेदार सा गोश्त का सालन जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। आपके मुंह में तो पानी आ रहा होगा। अगर आपने ये खाना है फ्रेंड्स तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अच्छी लगे रेसिपी तो ट्राई कीजिए, साथ में से लाइक भी कर दीजिए। अपना रखिएगा आप बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।